उत्तर प्रदेश के कैराना की ही तरह भोपाल की एक पॉश कॉलोनी से लगातार हिंदुओं के पलायन का आरोप लगाया गया है। पिछले कुछ समय से करीब 40% हिंदू इस कॉलोनी से अपना मकान बेचकर चले गए हैं। ये रिपोर्ट आप देखिए। ये भोपाल का कोयफिजा इलाका है जहां से हिंदुओं का लगातार पलायन हो रहा है। इस पलायन के कई कारण समझ में आ रहे हैं। कोई कह रहा है कि रात को यहाँ ट्रैफिक हो जाता है, कोई गुंडागर्दी के कारण त्रस्त है, कोई नॉनवेज की दुकानों के कारण त्रस्त है। लेकिन ये सही है कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों में बड़ी संख्या में हिंदू छोड़कर यहाँ से गए हैं और भोपाल के अलग अलग इलाकों में शिफ्ट हुए हैं। कोहे फिजा की फिजा अब बदल चुकी है, जहाँ से लगातार हिंदुओं के पलायन का आरोप लगाया जा रहा है। पिछले कुछ समय से करीब 40% हिंदू इस कॉलोनी से अपना मकान बेचकर चले गए हैं। जैन फैमिली रहती थी वहाँ, 300 से 250 सिंधी फैमिली रहती थी, उनमें से भी कई लोग वहाँ मकान बेच चुके, जैन फैमिली बेच चुके, महेश्वरी फैमिली रहती थी, कुछ और ब्राह्मण परिवार रहते थे, वो रहते थे, ठाकुर परिवार रहते थे, काफ़ी लोग गुप्ता परिवार रहते थे, बहुत फैमिलियाँ रहती थी, वो बहुत लोगों ने वहाँ पर मकान बेचे। ये आपकी बात सही है और इस पर हर स्तर पर विचार करने की ज़रूरत है और प्रशासन को भी हमने आग्रह किया है कि इस तरह की गतिविधियों पर भी नजारा जाया जाए कि पर्टिकुलर क्षेत्रों में ये मकानों की खरीद फरोख्त दबाव पस क्यों हो रही है और इसके पीछे के क्या साजिश है। कोहे फिजा, जिसे पुराने भोपाल की पॉश कॉलोनी के रूप में पहचाना जाता है, अब धीरे धीरे इसकी फिजा बिगड़ती जा रही है। 1983 से यहां रह रहे अमित जैन को भी 38 साल बाद अपना मकान बेचना पड़ा। 1983 से मैं जब 2 साल का था तब से हम लोग कोयफिजा रह रहे थे और कोयफिजा में एक बड़ी अच्छा ही माहौल था। और पिछले साल करीब 1.5 साल पहले हमने कोयफिजा से हम लोग जैन नगर लालघाटी में शिफ्ट हुए और कोयफिजा का माहौल जैसा आपने सबने देखा हो कि पॉश कॉलोनी में हो या ओल्ड भोपाल की इकलौती पॉश कॉलोनी कहलाती थी, पर पिछले 8-10 साल से कुछ वहाँ पर कुछ समीकरण बदल रहे थे और बदलने की वजह से हमारे जैसे कई लोग कोहे फिजा से शिफ्ट होना स्टार्ट हो गए थे। कोहे फिजा इलाके में करीब 5,000 मकान है। कॉलोनी के निर्माण के समय 80% हिंदू बाहुल्य वाला ये इलाका हुआ करता था। सबसे मेन कारण है यहाँ पे जो भी प्लॉट बिकता है वहाँ पे एक मल्टी बन जाती है। वो मल्टी बनती है तो क्या होता है कि सब हल्के लोग आ जाते हैं, फिर वो रात को गदर भी होता है यहाँ पे, काफी लड़के आवारा गर्दी होती है। वर्तमान में करीब 40% हिंदू ही यहाँ बचे हैं, उनमें से भी अधिकतर मकान बेचकर जाने की तैयारी में है। 80% हिंदू आबादी थी उस वक्त। 50-50 हो गई होगी, 50 से कम हिंदू होगा, 40-60 का रेशो होगा। लोगों का तो यहाँ तक आरोप है कि घर नहीं बेचने पर तरह तरह से परेशान भी किया जाता है। एक तो क्या है, यहाँ पे पहले एक एजुकेटेड और अच्छा वर्ग रहता था, लेकिन अब धीरे धीरे क्या है, बड़े प्लाटों में 2 प्लाट लेके लोगों ने मल्टी बनाना शुरू कर दिए, तो एक निम्न स्तरीय लोग यहाँ आके रहने लगे हैं। पलायन को लेकर राजनीतिक दल अपने अपने दावे तो कर ही रहे हैं, लेकिन फिलहाल इसका कोई हल दिखाई नहीं दे रहा। एक जमाने में यहाँ पर 80% आबादी हिंदू हुआ करती थी, आज उसका प्रतिशत 40% से भी कम बचा है। इसके कारण की जांच की जाए तो कई कारण सामने आ रहे हैं, लेकिन सरकार की भी ये चिंता है कि क्यों लगातार इस पॉश एरिया को हिंदू छोड़कर जा रहे हैं। इस बारे में विधायक का भी कहना है कि हम प्रयास करेंगे कि वापस हिंदू आबादी यहाँ आकर बसे, लेकिन अब यह संभव दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि अभी भी मकान बेचने वालों की जो संख्या है उसमें लगातार हिंदू हैं और खरीदने वालों की जो संख्या है उसमें एक वर्ग के लोग मकान खरीद रहे हैं। विजिलेंस अभय के साथ नितेंद्र शर्मा, न्यूज़ स्टेट भोपाल।